बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। फूड चैनल में खुश आमदीद। आज मैं फिर हाजिर हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और इजी तरीके से मिल्क पाउडर से बनने वाली बर्फ़ी की रेसिपी के साथ। मिल्क पाउडर से बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने 1/2 kg फुल फैट दूध ली है, 2 कप मिल्क पाउडर, 1 टेबल स्पून देसी घी, आप देसी घी की जगह दूसरा घी भी ले सकती हैं, 1 कप चीनी, 1 कप मैदा, हसबे ज़रूरत कटे हुए बादाम। अब मैं इसे बनाती हूँ। बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने इस तरह से एक कढ़ाई ली है, इसमें दूध ऐड कर दूंगी। सारा दूध है इसमें मैंने ऐड कर दिया। अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं की, पहले सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें चीनी ऐड कर दूंगी और चीनी को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। चीनी को अच्छे से मिक्स कर लिया, मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड करूँगी, मैदा ऐड करके इनको भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। दूध में सारी चीजों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, मैं इसकी फ्लेम ऑन कर दूंगी। इसकी मैंने फ्लेम ऑन कर दिया। अब मैं साथ ही इसमें घी ऐड कर दूंगी और इसे इतना पकाएंगे कि ये गाढ़ा हो जाए। बर्फी वाले मिक्सर को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए, ये देखे काफी हद तक गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसे मज़ीद 10 मिनट पकाऊंगी ताकि बर्फ़ी हमारी अच्छे से सेट तैयार हो जाए। ये देखें, बर्फ़ी को पकते हुए मज़ीद 10 मिनट हो गए, बर्फ़ी वाला मिक्सर हमारा तैयार हो गया। मैं इसकी फ्लेम बंद कर दूंगी और इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। बर्फ़ी वाले मिक्सर को इस तरह से मैंने एक बाउल में निकाल लिया। मैं इसे 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी। बर्फ़ी को ठंडा करके इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है, ये देखिए इस तरह से इसकी मैंने कटिंग कर ली है। आप चाहें तो जिस भी साइज़ की और जिस भी शेप की बनाना चाहें उस तरह की कटिंग कर लें। तो यह है बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी मिल्क पाउडर से बनने वाली बर्फ़ी। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार किया करें। अल्लाह हाफिज़।